मैं हूँ गोलू मोलू, पानी की एक छोटी सी बूंद। आप मुझे हर जगह पाते हैं, नलों में, तालाबों में, खड्डों में, झीलों में, नदियों में, सागर में, और हाँ, आसमान से टपकते हुए भी। पर मुझे अपने बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, खोजना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो चले चलते हैं जूमी के पास। ये पानी के गुण क्या होते हैं? चलो डॉक्टर चाचा से पूछते हैं। डॉक्टर चाचा, राम राम। राम राम। राम राम बेटे। डॉक्टर चाचा, मैं पानी के बारे में कुछ पढ़ रही थी, लेकिन उसमें एक बात समझ नहीं आई, ये गुण क्या होता है? गुण? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे पहचानती हो? आप डॉक्टर हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। ठीक। और हाँ, सफेद कोट भी पहनते हैं, और हाँ, इंजेक्शन भी लगाते हैं। भाई मुझे तो बड़ा डर लगता है इंजेक्शन से, और हाँ, कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो ये मेरी पहचान हुई। अच्छा, ठीक। इसी तरह पानी का भी अपना गुण होता है। अच्छा, पानी की खास बातें, यानी पानी की जो पहचान है वही पानी के गुण है। ठीक है ठीक है, पानी के गुण का तो मैं अपने आप पता कर लूंगी। देखा आपने, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, उसे जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। पानी का तो अपना कोई आकार होता ही नहीं है, जिसमें भर दो उसी का आकार ले लेता है। अरे वाह, ये रंग तो पानी में घुल गया। यानी कि पानी में और भी चीजें घुल सकती हैं। चलो करके देखती हूँ। Thank you.
चीजें पानी में घुल जाती हैं, पर कुछ चीजें पानी में नहीं घुलती। जैसे जैसे कि ये बीज। जानते हैं आप, पानी में बहुत सारी चीजें घुल सकती हैं, जैसे नमक, चीनी, मिट्टी और साबुन। और एक बात बताऊं, चाय भी तो एक घोल है, चीनी, दूध और चाय पत्ती का। हाँ, एक बात है, हर चीज पानी में नहीं घुलती। जैसे पानी में डाला गया ये पत्थर। सोचो सोचो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तब तक मैं जूमी के साथ अपने बारे में कुछ और जान लूं। अरे हाँ, जैसे शीशे के बर्तन के आर पार देखा जा सकता है, वैसे ही पानी के भी आर पार देखा जा सकता है। क्या आपको पता है, पानी तो पारदर्शी है, इसीलिए तो हमें इसमें इतने सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन यदि पानी को हिला दें या फिर उसमें कुछ घोल दें, तो पानी या तो रंगीन हो जाता है या अपना पारदर्शी गुण खो बैठता है। एक मजेदार बात और बताऊं, जैसा कि जूमी ने कहा, पानी एक तरह से शीशे जैसा ही है। तुमने तो देखा ही होगा, बड़े बड़े शीशे आईने की तरह रोशनी को वापस फेंकते हैं। वैसे ही पानी भी आईने जैसा ही काम करता है। अरे, प्लेट में से पानी कहाँ गया? कहीं हवा तो नहीं उड़ा के ले गई? पता लगाना पड़ेगा। पानी भाप बनकर हवा में मिल जाता है। पानी चाहे तालाब से हो, गीले कपड़ों से, सड़कों से, उबलते पानी से या फिर पेड़ पौधों से। और हमारे शरीर से भी तो पानी पसीने के रूप में निकल जाता है, इसीलिए तो हमें प्यास लगती है। अरे, जूमी ने तो एक बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया। क्या भाप से ही बादल बनते हैं? पता लगाना होगा। डॉक्टर चाचा, डॉक्टर चाचा। हाँ बेटे। मैं एक बात सोच रही थी। क्या बादल भाप से बनते हैं? बेटे, बहुत ही मजेदार सवाल है तुम्हारा। तुम एक काम करो, इसमें बर्फ ले आओ। ठीक है, मैं लाती हूँ। ये लीजिए डॉक्टर चाचा, मैं ले आई हूँ। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, तुम्हें मालूम है बर्फ क्या होती है और ये कैसे बनती है? थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन मैंने देखा है आपको, आप ट्रे में पानी भरकर फ्रिज में रख देते हैं और कुछ ही देर बाद वो बर्फ बन जाती है। बर्फ तो पानी की ही बनी हुई है ना? शाबाश बेटे, तुम्हें तो बहुत मालूम है। उसे बाहर निकाल के रख दें तो वो पिघल के फिर से पानी बन जाती है। अच्छा, एक बात बताओ,
ये वाला पानी कहाँ से आया? ये वाला पानी कहाँ से आया? ये ग्लास के अंदर का पानी तो नहीं है, शायद हवा से आया हो सकता है। अच्छा, ऐसे होता है, जो पानी भाप बनकर हवा में मिल जाता है वही अब फिर से पानी बन गया। समझ में आ गया, बर्फ, पानी और भाप, पानी के अलग अलग रूप होते हैं। पानी को ठंडा कर दो तो बर्फ जम जाती है, और गरम कर दो तो भाप। बर्फ को गर्म कर दो तो पानी बन जाता है, और भाप को ठंडा कर दो तो वो भी पानी बन जाता है। अब आई बात समझ में। पानी को ठंडा कर दे तो वो बर्फ बन जाती है, और पानी को गर्म कर दे तो भाप। बर्फ को गर्म कर दे तो वो पानी में बदलता है, और भाप को ठंडा कर दे तो भी पानी। और यही भाप ठंडी होकर दिखने लगी बर्फ के गिलास के बाहर, और उसके रूप में, कोहरे के रूप में, या फिर धुंध बनकर। भाप हवा में उड़कर बादल बन जाते हैं, और बारिश के रूप में बरसते हैं। और अगर पानी को बहुत ठंडा कर दो तो वो जम जाता है। और ऐसी जगह पे तो बहुत ठंड लगेगी। क्यों, कैसी रही गोलू मोलू की कहानी? भाई मुझे तो बहुत मजा आया खोज में, क्या आपको आया? खोज करने में तो बहुत मजा आता है, और इतना सब कुछ पता लगता है ना? आप लोग एक बार जूमी की किताब देख लीजिए, तब तक मैं और जूमी कुछ और खोज करके आते हैं।